द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी इज दट आई कॉन्ट टेल यू एनी थिंग क्योंकि अगर मैं कुछ भी कह दूँ आपसे तो फिर फिल्म का मजा निकल जाएगा पर मैंने ऐसे रोल कभी नहीं किया है पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट वॉज रियली अ ग्रेट प्लेजर टू शूट दिस फिल्मी शॉट इट इन दिडल ऑफ कोविड एंड ऑलोशन एंड फॉर मी इट वॉज अ ग्रेट रिलीफ टू बी कम बैक ऑन सेट एंड सच एन एक्साइटिंग स्टोरी एंड वर्क विद

क्योंकि जैसे एक कैप्टन हमारे साथ होना मतलब बहुत ही बड़ी बात थी एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज द द एंटायर यू नो क्रेडिट ऑफ कीपिंग अ सेफ एनवायरमेंट फॉर अस अस टू शूट एंड हेल्प यू नो क्रिएटिवली आल्सो एक्ट बिकॉज डर डर के हम शूटिंग थोड़ी कर सकते हैं धोखा <laughs> uh, नाम है पिक्चर डर थोड़ी है right. पर यू uh, नो you know, ऐसे माहौल में यू नो नो एक अच्छा सा इनवायरमेंट क्रिएट करना और फिर हम सब किरदार में घुस uh, ये फिल्म को हम कर पाए और yeah. uh, on time, on budget. It's just a, uh, it's just an honor to be part of this film. हम अपने किरदार के बारे में इसलिए नहीं बता पाएंगे I don't think कोई भी बता पाएगा hmm. क्योंकि फिल्म का नाम ही धोखा है right. अगर हम uh, जो भी अभी बोलेंगे सब झूठी बोलेंगे झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर दैट इंसाइटफुल बातचीत आई वुड से खुशहाली नो प्रेशर्स एट ऑल बिकॉज एज आई सेड यू ऑलरेडी हैव अ सॉलिड फैन बेस वी हैव सीन फ्रॉम And you've killed it every single time. So, debut can debut it's your debut. But, pressures or no pressures? No, I would say right now, I'm actually feeling numb. Seeing the teaser, I still can't believe that I'm sharing screen space with our madhavan wow. And uh, Darshan and Apar, it's a dream come true for me. And uh, this has been one of the best experience of my life. Like, uh, music videos is a different thing. But, you know, when you are uh, portraying a character it's completely different yes. and uh, this is like living my dream and i can't thank enough so can we say this is like a dream debut because performance oriented role you know time, milna or say it's not bakubi yes this is completely my uh, dream role something which i really wanted to do and i'm very happy and uh, very thankful to cookie sir for writing a character like sanchi right. and uh, choosing me for it right

ना निगल सकता है ना ही उगल सकता है तो ये <laughs> मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही टफ आ, रोल था और एक अथॉरिटी चाहिए थी और एक जो एक कॉप का होता है एक रुतबा और उस अपने पैशन को लेके चलना था तो वो सब था और बहुत मज़ा आया इतनी कमाल की टीम भाई जी के साथ काम करना इट वाज अ ट्रीट एंड खुशहाली के साथ काम करना ये इनकी एक्टिंग से या जब ये हमारे साथ काम करी थी कहीं नहीं लगा कि ये पहली फिल्म है yes. इनकी या तो अमेजिंग और कुकी सर सुपर कूल डायरेक्टर इन्होंने हमें खुली छूट दी थी एज एन एक्टर कि आप परफॉर्म कीजिए बस मैं कहीं ट्यून इन करना होगा तो मैं आपके साथ साथू मैं रहूंगा तो इस तरह की टीम मिलना और भूषण जी हमारे प्रोड्यूसर जैसा मैडी भाई जी ने बताया कि हर चीज़ का इतना खूबसूरत इतने प्यार से हमें रखा गया और इतना इतना ख्याल रखा गया कि हमें पता ही चला कब शूट शुरू हुई और कब खत्म हुई सो बहुत बहुत मज़ा आया इस फिल्म में और

कौन किसको धोखा दे रहा है वो तो 23 सितंबर को ही आप प्लीज yes. देख लेना और देखते रहना बिकॉज आई थिंक ये पिक्चर एक जर्नी है huh. आ, जो कैरेक्टर्स हैं और जो बेसिकली ह्यूमन स्टोरी है तो हमारे सब में आ, मुझे मेरी बिलीफ है कि हम सब ग्रे हैं hmm. कोई ब्लैक एंड वाइट तो है नहीं वी आर नॉट गॉड्स तो हर आदमी का एक कैरेक्टर और एक शेड जो रिवील होता है hmm.

वो सब जो गलतियाँ इंसान करते हैं वो सब अपने ज़हन से निकालना पड़ेगा एंड देन जिस टू बी एन एक्टर एंड जिस वॉन्ट बी मोल्डेड बाय द डायरेक्टर दैट रिलीफ दैट आई कैन डू दैट एंड एक्चुअली सबमि डायरेक्टर वॉज समेरी हैप्पी सो फॉर मी दैट क्लेंग़ वेरी इंपॉर्टेंट remakes you know recently like we had lal singh chadda and uh, the thing which stays with me is uh, there's a dialogue about uh, uh, malaria and you know uh, uh, because now uh, south and other regional content is releasing theatrically uh, in in hindi belt and they are coming directly on ott and obviously you represent you know pan india and uh, what is your take in terms of uh, you know like as a filmmaker you know would you now be uh, tentative in uh, you know if you have to remake your own film in hindi yeah i don't remake uh, my films anyways here आई थिंक इट्स अवन दे वॉन्टेड मी टू रीमेक थ्री इडियट्स इन तमिल आई डेंट डू इट बिकॉज वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है एज एन एक्टर एंड आई डू अ सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इट सेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट टू गेव इट अ योर लाइफ एंड सोल फिर उसको वापस रिक्रिएट करना इज इम्पॉसिबल फॉर मी तो आई डोंट थिंक आई टू रीमेक्स एनीबडीज फिल्म नॉट इवन माइन बिकॉज द कंपेरिजन हैपन्स यू नो द होल फन ऑफ डूइंग द फिल्म गोज अवी सो आई डोंट वॉन्ट डू रीमेक्स

मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग ज़रूर आएँगे हमको ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक साउथ इंडियन फिल्म हैं मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूँ कि बाहुबली वन बाहुबली टू आर 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 पुष्पा के जी एफ वन और टू ये ये फिल्में चली हैं जो हिंदी फिल्म के एक्टरों के से ज़्यादा कमाई हैं ये सिर्फ छः फिल्में चली हैं इसे हम पैटर्न नहीं कह सकते अच्छी फिल्में आएंगी तो ज़रूर चलेंगी और हमें मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों का पसंद चेंज हो चुका है उनकी अवेयरनेस चेंज हो चुकी है दुनिया भर के कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके लायक जब भी आप कंटेंट करोगे हम जीत जाएंगे जितने भी फिल्म्स अभी आ रहे हैं मुझे लगता है कि उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा बस माधवन सर योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप जो भी फिल्में करते हैं कमाल के होते हैं फिल्में इसके पीछे एक ही वजह होती है कि आप एक फिल्म को ज्यादा से ज्यादा वक्त देते हैं सर जैसा आप आप साल में पाँच छः फिल्में नहीं करते हैं एक फिल्म के पीछे बहुत टाइम देते हैं और दूसरी तरफ आपके फैंस चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा फिल्में करें दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं आप भाई साहब मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सारी फिल्म कमाल के हैं मैंने कहा कि मेरे रोल्स अलग हैं मेरा फितरत मत बदल दीजिए <laughs> बट नहीं आप जो कह रहे हो मैं उसके लिए बहुत शुक्र गुजार हूँ मुझे लगता है कि सच तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं खुशहाली जी हैं दर्शन साहब हैं सब कोई सबके छः पैक आठ पैक तो हो जाते हैं यार लेकिन आम आदमी आजकल छः आठ पैक लेके घूम रहा है अगर आप डांस शो देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे जो डांस कर रहे हैं वो इतने कमाल के कर रहे हैं कि हम लोगों को डर लगता है कि हम अपने आप को स्टार्स कैसे बनाए थिएटर पे तो आ, उनसे आगे बढ़कर अपने आप को एस्पिरेशनल रखने के लिए स्क्रीन पे हमको बहुत टाइम लगता है स्क्रिप्ट ढूंढ के यू नो किरदार में घुस उस किरदार को एस्परेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वैसे टाइप के स्टोरी टेलर्स हमें चाहिए जो हमारे हमारे हुनर को बाहर ले आ पाएँ हमारे एक्ट डांसिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि एक्टिंग और कैरेक्टर स्किल्स जो लेके आए तो ऐसे नए जब फिल्म मेकर्स आते हैं तो उनको ढूंढ कर जाकर उनके पैर पर पड़ के

ढेर सारा प्यार मिल रहा है जहाँ जाता हूँ जिससे भी मिलता हूँ वो गले लग जाते हैं रोने लगते हैं इमोशनल हो जाते हैं थैंक्स फॉर डूइंग दिस फिल्म और यही एक एक्टर एक का सपना होता है कि ऑडियंस से आप सब से हर इंसान से प्यार मिले उसके काम को सराहाया जाए उसकी फिल्म को प्यार मिले वो फिल्म सक्सेसफुल हो तो वो सब मिल रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ आप सबका ऑडियंस का और ऊपर वाले का कि इतना प्यार मुझ पर नछावर कर रहे हैं आप लोग थैंक यू काफ़ी एक्चुअली बॉक्स ऑफिस मैटर करता है सो so, उसके बाद uh, काफ़ी ऑफ़र्स आ रहे हैं जिसमें से मैंने एक फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी है सो so, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कागज़ टू और और भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं पर अभी इस वक्त हम धोखा पे फोकस कर रहे हैं और uh, उम्मीद है कि इस फिल्म को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना रॉकेटरी या, या भूल भुलैया या मेरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला ऑडियंस से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि

जोनी फमी यू नो लॉर्ड ऑफ पीपल थिंक कि मेरे लिए बहुत आसान रहा होगा इट्स ईजी इट्स बीन सिम्पल बट इट्स नॉट बीन लाइक दैट और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब, जब, जब मेरे पापा पहली बार बॉम्बे आए थे वो एक एक्टर बनना चाहते थे पर उनके पास अब पैसे नहीं थे रहने की कोई जगह नहीं थी वो दादर के गुरुद्वारे में रहे थे और उन्होंने उनको तब लगा था कि बॉम्बे शहर बहुत मुश्किल है और यहाँ पे अगर आप अपनी ड्रीम्स लेकर आओ आप वो पूरा नहीं कर सकते हो वो एक हफ्ते के अंदर वापस चले गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊँगा जो सब नए टैलेंट्स को चांस देगी तो मैं बहुत अपने आप को एक तो लकी और आज फॉर्चुनेट समझती हूँ कि आई एम एबल टू लिव हिज़ ड्रीम फर्स्टली और मेरे लिए उसके बाद भी जर्नी वॉज इजी after uh, you know his uh, tragic loss mom took me and my sister to uh, delhi and i had to take up fashion so but somehow inside me you know that thing to be an actor was always burning and uh, somehow i managed to convince mom मैं बहुत रोती रहती थी उनके मैं हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे को ये करना है बहुत मुश्किल से मैंने उनको मनाया and uh, then finally one day when she agreed And then, you know, uh, this script happened. Uh, this uh, role came to me. And, uh, and then, <laughs> <laughs> So, uh, things were difficult, but I think, you know, God has always written something for you. What is best for you will come to you. And I really can't thank enough that I got uh, this wonderful character to play. Okay, all the very best for the. Thank you. towards your right. Khushali, uh, towards your right.

And uh, it was not that simple. It was very challenging for me. But I think once you're able to fine tune and you're able to identify yourself, then you can play that with these. So initial journey was difficult. Sahab, ye apne stars, sahab, Darshan Ji and inke mein kuch hai, aap, inka, aapka, apna personal experience? <laughs> Main kya <laughs> मैडी सर को तो आई जस्ट हैव टू थैंक हिम फॉर हिम सेइंग यस फॉर दिस फिल्म क्योंकि मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ एंड ये पिक्चर आई थिंक फ्रॉम 2016-17 मेरे पास थी ये स्क्रिप्ट और मेरे माइंड में ऑलवेज मैडी सर थे पिक्चर में सो इवेंचुअली व्हेन ही ऑब्वियसली व्हेन वी मेट एंड ही सेड येस आई थिंक इट वॉज़ अवज डे फॉर मी खुशहाली को जब uh, मैंने भूषण सर को और शिव सर को पिक्चर सुनाई थी एंड दैट टाइम आई वॉज कमिंग बैक इन टू ट्राइंग टू मेक फिल्म और उन्होंने स्क्रिप्ट पे हाँ बोली दे एनी थिंग एल्स उन्होंने कॉन्टेंट पे ये पिक्चर को हाँ बोला उन्होंने मेरा पास क्या किया है ये नहीं देखा उन्होंने बोला नहीं ये पिक्चर इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और तभी हमने बात की थी कि आई थिंक वी नीड अ न्यू फेस इन द गर्ल्स कैरेक्टर बिकॉज देर आर सो मेनी शेड्स एंड सो मेनी थिंग्स आई डोंट वॉन्टी विदगेज तो तब हमने खुशहाली के बारे में सोचा एंड वी गेव द स्क्रिप्ट तो uh, उसके बाद आई नो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर अ न्यू कमर बट आई थिंक शी टेकन इट अप सो वेल यू विल सी ऑन स्क्रीन दैट शी इज जस्ट टेकन इट टू अनदर लेवल दर्शन के साथ क्या द नाइसेस्ट ह्यूमन आई मेट एंड जस्ट द फर्स्ट टाइम वी मेट वी क्लिक And the passion that he showed for this, because when we were shooting Kashmir Files, shoot was And there he was playing a, a young college person. And in my film, he had to come back and play a cop with so much authority. And that switchover, which he just talks so much about his talent and as a person, Apar, who is not here. Again, uh, the faith actually for Apar was shown by Bhushan, sir. Uh, उसमें भी मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था जो एक uh, नया हो यू नो इन दिस स्पेस एंड भूषण सर सेट के वाई डोंट यू ट्राई फॉर अपार एंड मैं भी एक दिन मैंने सोचा मैंने बोला अपार यू नो अनफॉर्चुनेटली वी ऑल लिव इन बैगेजेज इन दिस इंडस्ट्री बट ही थाट आउट ऑफ द बॉक्स एंड आई वेंट अलॉन्ग द राइड एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेज ऑफ दिस इयर यू विल सी ऑन स्क्रीन कोई कोई भी फिल्म आ, अगर आप थ्रिलर बनाते हैं तो उसमें म्यूजिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है तो इसमें आ, कुकी ने काफ़ी अच्छे तरीके से गानों को सिचुएशन के हिसाब से कमर्शल म्यूजिक हमने फिल्म में डाला है तो और आ, प्लस मैं फिल्म के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने फिल्म पूरी नहीं देखी है लेकिन कुछ पार्ट्स देखे हैं और सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है खुशहाली ने डेब्यू फिल्म के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा काम किया है जो आ, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरी सिस्टर है तो मेरे को हमेशा वो रहता था, था यार उतना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी बट शी सी डन अ ब्यूटिफुल जॉब बहुत अच्छा काम किया है कुकी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन किया है एंड प्लस आ, माधवन दर्शन और आ, अपने अपार ने तो मी दे आर ऑल ग्रेट एक्टर्स एंड माधवन तो मीस वेन आई टोल्ड माधवन के यार एक स्क्रिप्ट सुनो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है तो उन्होंने uh, एक बार सुनते ही मुझे हाँ बोल दिया है मैं फिल्म कर रहा हूँ तो वो एक कॉन्फिडेंस स्क्रिप्ट uh, पे हमें भी था और जब एक्टर्स को भी वो कॉन्फिडेंस लगा फिल्म में और सब ने एक एक बार सुन के uh, इसको हाँ बोल दिया और प्लस जो ये अपार के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो हमने बहुत सोच समझ के किया था क्योंकि अपार को सब लोग आज तक कॉमेडी में देखते हैं कि वो कॉमेडी अच्छी कर सकता है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स एक आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म के लिए अगर आप कैरेक्टर्स वैसे लाएंगे तो आई थिंक लोगों को पसंद आएगा और आज जिस हिसाब से फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत मुश्किल से परफॉर्म कर रही हैं तो यू नीड टू गिव सम चेंज जो आप ऑडियंस की टेस्ट को समझ सकें तो वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप

अपनी भी कोई रिस्पॉसिबिलिटी बनती है टू टेक सम इनिशिएटिव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स इन इंडिया सी दैट फिल्में तो बनती ही जा रही हैं बट सी दैट्स वॉट वी आर डूइंग वी आर लाइक अभी आप पीछे पैटर्न देखें तो मैनी पीपल वेकिंग द रूट ऑफ रिलीजिंग द फिल्म इंक्लूडिंग अस एक्चुअली बिकॉज कोविड में सब ने uh, बहुत नुकसान किया था अभी भी लोग ओ टी टी पे डायरेक्ट ओ टी टी पे फिल्म रिलीज कर रहे हैं तो जितनी फिल्में आप चाहे आप जैसी भी फिल्म बना रहे हैं आप कोशिश तो सब लोग करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं लेकिन आप जैसी भी फिल्में बना रहे हैं आपको उसको थ्रेटिकल रिलीज़ देना चाहिए क्योंकि तभी जितनी ज़्यादा फिल्में आएंगी और जितनी ज़्यादा फिल्में चलेंगी जो आप क्वेश्चन में से पूछ रहे हैं कि थिएटर बंद हो रहे हैं उतने ही थिएटर तभी बढ़ पाएंगे मैं थिएटर एग्जीबिटर से भी जब बात करता हूं तो वो यही बोलते हैं कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस या जित जिस तरीके से लोग फिल्मों की परफॉर्मेंस नहीं हो रही और काफ़ी प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट ओ टी पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं अपना रिस्क सेव गार्ड करने के लिए तो इस हिसाब से तो थिएटर्स बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और और बंद होते रहेंगे तो वी नीड गुड कंटेंट फिल्म्स एंड प्लस फिल्म शुड कम इन थिएटर फर्स्ट खुशहाली एक्चुअली सर मैं एक जवाब हूँ आपके सवाल का बहुत सारे ऐसे थिएटर्स बंद हो रहे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो आज के ज़माने पे आप एक्सपेक्ट कर सको देखिए थिएटर पे जाना आजकल एक ज़माने में लोग बस टैक्सी पकड़ के चले जाते थे आजकल सबके पास गाड़ियां हैं सबके पास टू व्हीलर्स हैं तो ऐसे थिएटर में जहाँ पे आपको ढंग से पार्किंग नहीं मिलता हो या एक्सेसिबिलिटी ठीक नहीं हो ये थिएटर भी बंद हो रहे हैं और ये इसलिए नहीं बंद हो रहे हैं कि पिक्चर नहीं चल रही है इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है सो तो जैसे ये थिएटर्स बंद होंगे वैसे नए वाले विथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुलेंगे जहाँ पे ज़्यादा स्क्रीनस होंगे और जहाँ पे पब्लिक के लिए थिएटर पर जाकर पिक्चर देखना एक

तो और बाद में जब भी उन्होंने बताया कि फी य फिट यूज़ टू गो थ्रू एंड द मिनट दे ईज़ टू गेट टू नो हु आई एम एंड देन दे इज़ टू बैक आउट से कि अरे टैंड्रम्स होंगे शायद नहीं रहने देते किसी और को लेते सो एक्चुअली यू नो दिस प्रिवलेज इज़ नॉट बीन दैट ईजी फॉर मी एंड ये जो रोल है जो मेरे को मिला है इसमें भाई है जस्ट पुट मी इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर एंड मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के गई थी को पता था कि उसका कैरेक्टर ग्राफ कैरेक्टर स्केच क्या है तो सर से मिलने से पहले आई कॉल वेदर टू टेक मी और नॉट टू टेक मी सो आई दिसक टू सेलो मैम टू ये आई एम श्रॉम एपसोल्यूट is there a character you have taken inspiration from? येस ऑफ कॉर्स फ्रॉम फोर मी द इंस्पिरेशन फॉर दिस हैज़ बीन तबू मैम एंड आई वुड इवन से मैरी सर योर क्योंकि एक वो किस हिसाब से एक ठहराव और एक वॉइस के साथ और कैसे वो अपने फेस एक्सप्रेशन और आइज के साथ परफॉर्म करते हैं इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर मी एंड दैट्स बीन माई इंस्पिरेशन फॉर दिस कैरेक्टर थैंक यू जैसे uh, like, like, uh, हम सब यहाँ पर हैं हम एक्टर्स हैं प्रोड्यूस हम सब की बॉडी लैंग्वेज सोचने का तरीका बात करने का तरीका हर चीज़ अलग होती है आप सब हैं हर इंसान एक दूसरे से अलग है तो वैसे ही कॉप भी अलग अलग होते हैं सो so, जो उजागर सिंह जो मैंने पहले प्ले किया था वो बहुत ही यू you नो know, बहुत ही अपने आप को प्रूव करना चाहता है और बहुत अपने काम को लेकर वो दिखाना चाहता है कि मैं इस आ, इस कि मैं पुलिस फोर्स में कुछ कर सकता हूँ लेकिन यहाँ मैं जो एसीपी मलिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ये बहुत मच्यर है बहुत ही ऐसे मिशन हैंडल कर चुका है और इसीलिए उस पर ट्रस्ट करके इस तरह के मिशन दिए जाते हैं तो बहुत ही और बात करने का तरीका बॉडी लैंग्वेज टोटली तो डिफरेंट था तो इसे काम इस पर काम करने में और इसे निभाने में बहुत मजा आया या हाय माधवन सर स्ट्री सर सिंस यू सेड दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन रॉकेटरी फॉर इयर्स एंड दैट्स अ कैरेक्टर यू जस्ट डू नॉट प्ले बट यू हैव बीन इमेंसली इन द मेकिंग सिंस यू हैव टेस्टेड सक्सेस विद एज अ डायरेक्टर नाउ डू यू फील दैट द एक्टर एंड द डायरेक्टर इन यू ऑफन कम इन कॉन्फ्लिक्ट यू नो इन प्रोजेक्ट्स कॉन्फ्लिक्टेर यू आर द एक्टर Um, are you, uh, y y y it's a good question. Um, as an actor, when you go onto the set, you want to keep the director away. And uh, I don't have uh, much experience directing before this. So uh, this was just a learn as you go process for me for Rocketry. So when I go to the set, I'm, I'm just looking forward to being freely just an actor, getting into the character and knowing when I'm done with my job and go back home and feel good about finishing my job that day. So uh, the conflict. Uh, I will not let that conflict happen. I'm sure it will happen. Um, even when I did Decoupled, uh, after Rocketry, I was very tempted to suggest a few things, but then I keep my mouth shut and control myself, and that's the only way to do a film, because I ha can there can only be one director on the set, so you don't want to add to the confusion. Ma'am. Oh. Yeah, ma नहीं नहीं मतलब डी uh, करने के बाद तो मैं बिल्कुल बेशरम हो गया <laughs> उसके बाद <laughs> मुझे देखिए ये हमारे लिए एज एक्टर्स ये हमारे लिए एक अकम्पलिशमेंट है हम किरदार बन के सामने आते हैं इट हैज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ आर एक्चुअल स्टैंडिंग इन सोसाइटी दूसरी बात यह है कि uh, ये बहुत सारा प्रेशर हम पे डाला जा रहा है मेरे और मेरे बेटे पे uh, उतने भी हम लोगोंकम्प्लिश uh, नहीं है बहुत दूर जाना है अभी uh, खास करके वेदांत को सो so, um, uh, ये एक ट्रैप है सो हम इससे दूर रहना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए हेलो ऑल हाय दिस इज कोमल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस माय क्वेश्चन इज फॉर भूषण जी एंड मैडी इन द टाइम्स व्हेन यू नो मोस्ट बिग हिंदी फिल्म्स हैव नॉट डन वेल यू आर अ बंच वेयर योर हिंदी फिल्म्स हैव डन वेल रॉकेटरी डिड रियली वेल भूलभुल डिड वेरी वेल फॉर दर्शन इवन द कश्मीर फाइल्स डिड वेरी वेल सो व्हाट डू यू थिंक इज नॉट वर्किंग इन अदर हिंदी फिल्म्स and what was in your film that really worked maddy amir's film was you know people kept, kept waiting for it but it didn't work why do you think what's going wrong um, if we knew we will all be making hate films <laughs> honestly uh, it's not anybody doesn't start off thinking that we're making a wrong film uh, the intent and the hard work behind it is just as intense with every film that either works or doesn't so, all the films, the big films that I have released, they were all, the intent was to make a good film and make it work. I think the only big difference is that I was lucky because mine's a biopic, so it's not time agnostic. So, it would have worked in any time, uh, irrespective of whether it was pre COVID or post COVID or anything. But other films which have come after COVID, you're playing to a completely changed audience, highly educated, highly exposed audience to world cinema and stuff. So, they're going to judge you. With that sort of a yardstick, so you, it's nobody's fault. I think it's going to take a little time for all us to pull up our socks and then um, make screenplay that will work very soon in theaters. Uh, so this way, Maddie sir, this way. Uh, Over oh here, yeah. Uh, Maddie sir, Bhushan sir, and me. I mean, we three are twinning. Uh, coming to the trailer, sir, this way. Uh, it's incredible. Yes, it's amazing. You. Yeah. <laughs> okay, so Maddie sir, two things. Firstly, huge congratulations for your numby effect with Maddie Touch. And with Vedan's tremendous success, sir, it's such a proud feeling. In fact, and <laughs> about the trailer, sir, as I told you, it's really interesting. What is round D corner? Is it delusion? What is that? You know, um, <coughs> as uh, Kushali was saying, half my confidence in the project came because Kushali and I were supposed to do some other film together. We, uh, you know, we spent a lot of times on that script. Somehow it didn't work out. But I was very blown by the fact that she was not interested in doing. See, at that time, but this is before COVID. Uh, at that time, it was so easy for her to get launched uh, in the best manner possible with the best songs and the choreographers, and you know, showing her in the best light. But she was not interested in that. She was really looking for character-driven roles that she wanted to invest time getting into character and stuff. For me, that was a big tick point for me. You know, like that. For me, I said, "Ah, if somebody is that keen on the script and the story working first, then."

द बेस्ट पार्ट इज इन दिस फिल्म मेरे को दूध भाद देने की जरूरत नहीं पड़ी आई है जस्ट डू माई जॉब एज गुड एज आई कैन बिकॉज एवरीबडी आउट द वॉज प्रिपेयर वॉज गेटिंग इन टैरेक्टर वॉज ऑन टाइम वीन एवर यू नो वैन यू गोड द सेट इन यू नेव टू वेट फॉर एन एक्टर डिस्पाइट हैविंग सो मेनी एक्टर्स दैट्स अ ग्रेट साइन दैट एवरीबडी इज मेकिंग द सेम फिल्म एंड वन ऑफ द थिंग्स आर एज फिल्म मेकर प्रोड्यूसर्स वी लुक फॉर इज कि क्या सभी के नियत फिल्म बनाने का एक ही है अगर वो हो जाता है सेम ना देन देर इज नो दर इज नो

लाइफ में कभी धोखा मिला है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ व्यक्तित्व जो जीवन है उसे दूर रखते हैं ओनली फिल्म फ्रेटर्निटी की बात करते हैं दिस क्वेश्चन इज मेंट फॉर एवरी भूषण सर आप तक के लिए हमें तो बिजनेस में बहुत धोखे मिलते हैं <laughs> तो तो, तो बताने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं है गुलाटी सर धोखे मिलेंगे तभी तो ये पिक्चर बनेगी तभी तो ये लिख पाएंगे हम सो आई डोंट थिंक के उससे तो कोई भी परे है दर्शन जी जैसा भूषण जी ने कहा बहुत मिले हैं पर यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकते <laughs> बिल्कुल मिले मैम uh, uh, जी मेरे को प्यार में बहुत धोखे मिले मैरी <laughs> सर oh. जब तक धोखा नहीं मिलेगा तब तो तक ईमानदारी का पैसा कैसे कैसे पता चलेगा मेरा एक आखिरी सवाल एक दीदी ऐसे कैसे जस्ट एक आखिरी सवाल वो नितिन भैया बस एक चीज के लिए बस एक आपने दीदी कह दिया उसने भैया कह दिया तो आप कोई दिक्कत नहीं मैं तो बिल्कुल प्यार में, आ, में बोला बिल्कुल मैंने भी भैया प्यार से बोला प्लीज <laughs> मैडी सर बस एक बस एक सवाल हाँ जी फिल्म फ्रेटर्निटी के जब हम बात कर रहे हैं हम लगातार देख रहे हैं कि इट इज़ रीचिंग टू न्यू सक्सेस बट अनफॉर्चुनेटली वी आर हियरिंग दैट

उधर हो गया संजय जी लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूं मैं राहुल आई कम बैक टू यू अगली बार <laughs> सिंपल सा जवाब भाई आप ऐसा सवाल पूछते क्यों <laughs> हमको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बड़ा होगा बिल्कुल थैंक यू सो मच संजय जी के लिए जोरदार कोर्स फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग टीम हियर टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑफ विल टेक द माइक एंड वुड वु